झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर गुरुवार को भी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने ईडी को एक बार फिर लिखित संदेश भेजा है। ये लगातार दूसरी बार है जब सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि वे ईडी के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे। उन्होंने 14 अगस्त को ईडी को पत्र लिखकर भेजे गए समन को राजनीति से प्रेरित एवं गैरकानूनी बताया था और समन वापस लेने को कहा था। सीएम ने पत्र में लिखा था कि ऐसा न होने पर वे कानून का सहारा लेने को बाध्य होंगे। सीएम सचिवालय के विशेष दूत ने दोपहर लगभग 2 बजे सीलबंद लिफाफे में सीएम का लिखित संदेश ईडी के दफ्तर को सौंपा। ईडी ने उन्हें 2 बार समन भेजकर रांची स्थित दफ्तर में हाजिर होकर अपनी संपत्ति के ब्यौरे पर बयान रिकॉर्ड कराने को कहा था। पहले समन में उन्हें 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा गया था। इस दिन उपस्थित होने के बदले उन्होंने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखा। इसके बाद भी ईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजकर 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था। इसे लेकर रांची के एयरपोर्ट स्थित ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। दोपहर तक सीएम के पहुंचने का इंतजार होता रहा, लेकिन पिछली बार की तरह सीएम सचिवालय की ओर से ईडी को चिट्ठी भेजी गई है। कहाँ से आए? हम लोग सीएमओ से आए, डाक दे के जेल जा रहे हैं एयरपोर्ट और फिर जाना पुरजे। चलो हमसे बता दीजिए आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं, क्या लेके, बस इतना बोल के बार बार बोल रहे हैं कि हम सीएमओ से एक लेटर देने, लेटर दे के भी जा रहे हैं प्रोजेक्ट, इसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट। अरे इधर देख के बोलो, इधर कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? अरे इधर इधर देखिए, क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज कहाँ से? सीएमओ ऑफिस से। क्या क्या लेकर आए थे? लेटर था, अंदर में कहा था, क्या बता सकते हैं सर? अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, फिर जाएंगे नेपाल, प्रोजेक्ट जा रहे हैं नेपाल हाउस जाना है, बताइए। अच्छा, ईडी दफ्तर है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।